आज मैं जिस मुद्दे पर चर्चा आपसे कर रहा हूं इसका शीर्षक है ब्लूप्रिंट। वास्तव में हम क्यों बनाते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग के लिए ब्लूप्रिंट की शायद जरूरत नहीं हो, सीधे सीधे हम क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं तो क्या खराबी है, हमको इतने सारे पेपर बनाने होते हैं, हम सब तो टीचर्स हैं और हम सबको क्वेश्चन पेपर बनाना आता है, देन व्हाई ब्लूप्रिंट। ये व्हाई ब्लूप्रिंट है, यही वो मूल प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढे बिना हम ब्लूप्रिंट के महत्व को अपनी टीचिंग लर्निंग में सिद्ध नहीं कर सकते। ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने से पहले आइए देखें कि यदि हमें एक परीक्षण, एक टेस्ट, कोई परीक्षा प्रश्न पत्र बनाना हो तो हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम उस परीक्षण की प्लानिंग करते हैं, उसकी प्लानिंग करने के बाद हम ये निर्धारित करते हैं कि हम कैसा टेस्ट बनाएंगे। वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का मिश्रण होगा, कितनी देर का होगा, कितने अंकों का होगा, उसकी संरचना कैसी होगी। उसके बाद हम उस संरचना को मूर्त रूप देने के लिए वास्तव में ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और ब्लूप्रिंट जब बनकर तैयार हो जाता है तब ब्लूप्रिंट में लिए गए निर्णयों के आधार पर हम अपने परीक्षण पत्र या परीक्षण के लिए जो प्रश्न बनाने हैं वो प्रश्न बनाते हैं। उसके बाद एक मार्किंग स्कीम डेवलप करते हैं और फिर एक स्कोरिंग की बनाते हैं कि कैसे उस परीक्षण की स्कोरिंग की जाएगी। ये मूलतः 6 चरण हैं जिन चरणों के प्रयोग से हम अपना टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रश्न है, हमें ब्लूप्रिंट की जरूरत होती क्यों है, व्हाई डू वी नीड अ ब्लूप्रिंट। फर्स्ट वी स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज टू बी टेस्टेड, हमें किसका परीक्षण करना है, किसी विषय वस्तु का परीक्षण करना है, वो थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, वो कंसेप्चुअल है, एक्सप्लेनेटरी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की है, या उसमें हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करनी है, हायर ऑर्डर के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो क्या है जिसका हमें परीक्षण करना है, इसका परीक्षण हमें क्यों करना है। इस क्यों का जवाब होता है हमारे शिक्षण अधिगम उद्देश्य टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हम किसी भी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी लेसन को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले बनाते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए, ये व्हाई का उत्तर होता है। फिर हम कैसे परीक्षण करेंगे, क्या परीक्षण करेंगे अर्थात विषय वस्तु, क्यों परीक्षण करेंगे अर्थात उद्देश्य, और कैसे परीक्षण करेंगे अर्थात प्रश्न पत्र का स्वरूप। So what we can say that a blueprint is a tool to develop a framework to find out answers of these questions. Blueprint क्या है? एक ऐसा framework है, एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किसका परीक्षण किया जाना है, क्यों परीक्षण किया जाना है और किस प्रकार परीक्षण किया जाना है। यदि ये तीन प्रश्न हमारे ध्यान में रहेंगे और हम तीनों प्रश्नों के बीच एक बैलेंस विकसित करने का प्रयास करेंगे तो संभवतः हम एक अच्छा ब्लूप्रिंट निर्मित कर पाएंगे। ब्लूप्रिंट के बारे में कहा जाता है कि एक क्वेश्चन पेपर का एक फ्रेमवर्क है जिस क्वेश्चन पेपर को हमें डेवलप करना है। ब्लूप्रिंट एक बैलेंस मेंटेन करता है कंटेंट अर्थात विषय वस्तु, जैसा कि मैंने कहा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके शिक्षण उद्देश्य, टाइप ऑफ आइटम्स कितने प्रकार के प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, उनका अंकन कैसे होगा, कौन सा प्रश्न 5 अंक का होगा, कौन सा प्रश्न 10 अंक का होगा, कौन सा प्रश्न 2 अंक का होगा, कौन सा प्रश्न 1 अंक का होगा, देन ड्यूरेशन, कुल प्रश्न पत्र कितनी अवधि का है, 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, 3 घंटे, इट डिपेंड्स, एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द आइटम्स, कि प्रश्नों का कठिनता स्तर क्या है। जब हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेते हैं और उन सारे प्रश्नों के उत्तरों को एक ही रूपरेखा में समाहित करने का प्रयास करते हैं, उनके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में हम कहते हैं कि हम एक ब्लूप्रिंट निर्मित कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट बनाते कैसे, आइए इसकी प्रक्रिया पर थोड़ा सा बात करते हैं। ब्लूप्रिंट बनाने का पहला चरण है
आपको अपने कोर्स कंटेंट को डिफरेंट कंटेंट यूनिट्स में एनालाइज करना होता है। जैसे कि यदि आप अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए कोई ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, यू आर मेकिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर द क्वेश्चन पेपर ऑफ योर एनुअल एग्जाम, यू मे नीड टू डील विद ऑल द कंटेंट यूनिट्स इन योर सिलेबस और हाउ मेनी यूनिट यू विल कंसीडर इन वन क्वेश्चन पेपर। If you are making a question paper for a half yearly semester examination or a monthly test, then your units may be less. So the unit content unit may be less than the final question paper of the annual examination. So first you analyze your course content into different units. कि कितनी units का हमें question paper बनाना है। फिर तय करिए कि प्रत्येक unit को आपको कितनी weightage देनी है, कितना बल देना है प्रत्येक unit पर। मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में 5 यूनिट है, तो जरूरी नहीं है कि पांचों यूनिट को आप 20-20% वेटेज दें, क्योंकि आप टीचर हैं। आप ये देखते हैं कि जिस यूनिट में ज्यादा कंटेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जिसमें ज्यादा हायर ऑर्डर लेवल के ऑब्जेक्टिव अचीव होने हैं, शायद उसको हमें वेटेज ज्यादा देना हो। कोई बहुत थ्योरेटिकल यूनिट है, केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड यूनिट है, हो सकता है हमें उसको कम वेटेज देनी हो। तो जब हम अपने कंटेंट को यूनिट्स में ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम हर एक यूनिट के लिए वेटेज निर्धारित करते हैं कि कुल अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है या 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें कितना पोर्शन, कितने मार्क्स, कितना वेटेज हम हर एक यूनिट को देने वाले हैं। और वेटेज हम केवल यूनिट के आधार पर तय नहीं करते, वेटेज निर्धारण का एक दूसरा आधार आपके अधिगम उद्देश्य होते हैं। किन शिक्षण उद्देश्यों के, किस स्तर के शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप प्रश्न पत्र बना रहे हैं। हो सकता है आप कोई यूनिट टेस्ट बना रहे हो और आपकी यूनिट जो आपने पढ़ाई है उसमें केवल कंसेप्चुअल लेवल हो, केवल अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, ज्यादा से ज्यादा आप एप्लीकेशन तक चले जाएं, उसके आगे शायद ना हो। हो सकता है जब आप फाइनल एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपके उद्देश्य कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल के हो सकते हैं, कुछ नॉलेज लेवल के हो सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन लेवल के हो सकते हैं, कुछ स्किल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। देन इफ देयर आर मोर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यू हैव टू डिसाइड दैट हाउ मच वेटेज यू विल गिव टू व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कि नॉलेज लेवल का कितना प्रश्न पत्र में हिस्सा रखना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रश्न कितने रखने हैं, एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न कितने रखने हैं, या स्किल का कंपोनेंट कितना रखना है, हम ये भी तय करते हैं। तो जब हम वेटेज निर्धारित करते हैं तो वेटेज केवल नंबर ऑफ यूनिट्स के आधार पर नहीं, ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रख करके की जाती है। इसके बाद हम ये तय करते हैं कि यदि हमारे प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, इफ देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, लाइक सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ओनली लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और only long answer question, it depend for which, for what purpose you are making your question paper. आप national testing agency के लिए हो सकता है question paper बनाए तो केवल objective type question, हो सकता है कि आप अपने final examination के लिए बना रहे हो तो वहां पर आपको very short answer और long answer दोनों रखने हो, या किसी university system के final examination में केवल very short answer ना होकर short answer और लॉन्ग आंसर है, तो हो सकता है केवल शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर हो। तो आपको कितनी वेटेज किस प्रकार के प्रश्नों को देनी है, तो वेटेज कितनी यूनिट को देनी है, वेटेज कितनी उद्देश्यों को देनी है, वेटेज कितनी प्रश्नों को देनी है, इसके बाद टाइम को कितनी वेटेज देनी है, ये भी देखिए कि कितनी देर का प्रश्न पत्र, 2 घंटे में उत्तर लिखना है विद्यार्थियों को, 3 घंटे में उत्तर लिखना है या 1 घंटे में लिखना है। यदि 3 घंटे में लिखना है तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि मैं कितने लॉन्ग आंसर दूं, 1 लॉन्ग आंसर में कितना समय लगेगा, कितने शॉर्ट आंसर दूं, 1 शॉर्ट आंसर में कितना समय लगेगा, कितने ऑब्जेक्टिव दूं उनमें कितना समय लगेगा, कितना समय प्रश्न पत्र को पढ़ने में लगेगा, कितना समय एक बार उत्तरों को दोहराने में लगेगा। तो टाइम का वेटेज भी हम डिसाइड करते हैं, बट वी ऑल्सो डिसाइड द मार्क्स टू बी गिवन फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसके उत्तर के लिए हमें कितना मार्क देना होगा, कितने अंक देने होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप है, उसके उत्तर के लिए हमें कितने अंक देने होंगे। अतिलघु उत्तरीय है, उसके लिए कितने अंक देने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके लिए कितने अंक देने होंगे। तो अंकों का आवंटन भी हम प्लान करते हैं, और अंत में हम प्लान करते हैं कि डिफिकल्टी लेवल को कितना वेटेज देना है।
जब हम डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो कुछ प्रश्न प्रश्न पत्र में हमेशा ऐसे रखे जाते हैं जिनका उत्तर अधिकांश विद्यार्थी दे पाए, कुछ प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं जिनका उत्तर यदि कोई एवरेज स्टूडेंट भी है तो वो दे पाए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी रखे जाते हैं जिनका उत्तर केवल वे विद्यार्थी दे पाए जिन्होंने विषय को बहुत ध्यान से पढ़ा है या जिनका शिक्षण अधिगम का स्तर सामान्य से अधिक है, तभी तो हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, अन्यथा हमारे क्वेश्चन पेपर की डिस्क्रिमिनेटरी पावर जीरो हो जाएगी। तो हम यह भी निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। हमें सबसे पहले अपने कंटेंट को एनालाइज करना है और यह तय करना है कि कितनी यूनिट्स हमारे क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होंगी, जो यूनिट्स क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होंगी उनकी वेटेज क्या होगी, किसको ज्यादा वेटेज देनी है, किसको कम वेटेज देनी है, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी क्या वेटेज होगी, नॉलेज लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को कितनी वेटेज देनी है, अंडरस्टैंडिंग को कितनी देनी है, एप्लीकेशन को कितनी देनी है, क्रिएटिविटी को कितनी देनी है, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से होंगे उनको क्या वेटेज देनी है, टाइम की वेटेज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस के मार्क्स कितने होंगे और डिफिकल्टी लेवल को कितनी वेटेज देनी है, कितने प्रश्न बहुत आसान रखने हैं, कितने प्रश्न सामान्य स्तर के रखने हैं, कितने प्रश्न उच्च स्तर के रखने हैं और कितने प्रश्नों का कठिनता स्तर थोड़ा अधिक रखना है। जब आप ये सब चीजें प्लान कर लेते हैं अलग अलग, तब इस सबको एक ही चार्ट में समाहित करते हैं और उस चार्ट को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो ब्लूप्रिंट बेसिकली एक टू डायमेंशनल चार्ट होता है जिसमें विषय वस्तु और उद्देश्य होते हैं। ये एक तरह से विशिष्टीकरण तालिका है, इट इज ए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। जितने स्पेसिफिकेशन अभी तक मैंने डिस्कस किए, इसके बाद में एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करूंगा ये सारे स्टेप्स। जितने स्टेप्स मैंने अभी तक डिस्कस किए, इन सारे स्टेप्स की जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हम डेवलप करते हैं उसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। पहली चीज क्या थी, हमने क्या कहा था, हम क्या तय करेंगे, डिसीजन ऑन यूनिट्स एंड देयर वेटेज। यहां देखिए, मैंने भौतिक विज्ञान का एक उदाहरण लिया है कि यदि एक एनुअल टेस्ट 9th क्लास के टीचर को बनाना है, एक वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाना है, तो हमें उसमें क्या क्या वहां देख लिया कि कुल मिलाकर के 6 यूनिट है, फूड की यूनिट है, मटेरियल की यूनिट है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग की यूनिट है, मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज की यूनिट है, हाउ थिंग्स वर्क की यूनिट है, एंड नेचुरल फिनोमेना एंड नेचुरल रिसोर्सेज की यूनिट है। तो ये तो हमने यूनिट लिस्ट कर ली। फिर जब हमने यूनिट का कंटेंट देखा, तब ये निर्धारित किया कि यदि हमें 100% में से वेटेज देनी है, तो मान लीजिए फूड की यूनिट को हमें 10% वेटेज देनी है, मटेरियल को 20% वेटेज देनी है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग को 15% वेटेज देनी है। ये कौन तय करेगा, ये आप तय करेंगे। हालांकि यदि आप सीबीएसई बोर्ड की किताबें देखें और खासतौर पर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल की, तो कई बार उनके सिलेबस में ऑलरेडी ये वेटेज दिया रहता है कि व्हाट विल बी द यूनिट एंड व्हाट द वेटेज शुड बी गिवन टू ईच यूनिट, सो यू कैन टेक दैट वेटेज ऑल्सो। बट इफ इट इज नॉट गिवन, देन यू नीड टू एनालाइज ऑन योर ओन दैट व्हाट काइंड ऑफ वेटेज यू विल गिव टू डिफरेंट यूनिट्स। सो दिस इज योर फर्स्ट टेबल। तो आप चाहे विज्ञान का प्रश्न पत्र बनाए, चाहे गणित का प्रश्न पत्र बनाए, चाहे भाषा का प्रश्न पत्र बनाए, मान लीजिए आप भाषा का प्रश्न पत्र बना रहे हैं, मैं गद्य कितना दूंगा, मैं पद्य कितना दूंगा, मैं व्याकरण कितना दूंगा, मैं अनसीन पैसेज कितना दूंगा, पत्र लेखन कितना दूंगा, तो इस प्रकार के कंटेंट हो सकते हैं कि गद्य खंड में से 20% दूंगा, पद्य खंड में से 20% दूंगा, 30% व्याकरण को दूंगा, 10% पत्र लेखन को दूंगा। हम गणित में कर रहे हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को इतना देंगे, स्टेटिस्टिक्स को इतना देंगे। सो इट डजंट मैटर फॉर सब्जेक्ट यू आर डेवलपिंग कि कौन कौन सी इकाइयां हैं जिनको प्रश्न पत्र में समाहित करना है और प्रत्येक इकाई को कितना वेटेज हमें देना है। तो यह पहला चरण हुआ। दूसरा है, मैंने कहा उद्देश्यों का वेटेज हमें निर्धारित करना होता है। यह उद्देश्यों का वेटेज भी आपके विषय के अनुसार बदल सकता है। मान लीजिए सोशल साइंसेस का कोई पेपर हो, इतिहास का हो, भूगोल का हो सकता है वहां नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को हमें ज्यादा वेटेज देनी हो, एप्लीकेशन और स्किल को कम वेटेज। अब ये हमें तय करना होता है अपने विषय और विषय वस्तु के आधार पर कि हम कितना वेटेज अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को देंगे। इन साइंसेस यू मे रिक्वायर मोर वेटेज फॉर अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल एज कंपेयर टू नॉलेज। इन सोशल साइंसेस
यू मे रिक्वायर मोर वेटेज फॉर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग देन एप्लीकेशन एंड स्किल. इन मैथमेटिक्स यू मे रिक्वायर मोर वेटेज फॉर एप्लीकेशन एंड स्किल एज कंपेयर टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. सो अगेन इट इज द सब्जेक्ट एंड द कंटेंट द यूनिट्स विच यू आर गोइंग टू कवर इन यूर यूनिट टेस्ट और इन यूर एनुअल एग्जामिनेशन विल डिसाइड दैट हाउ मच वेटेज यू विल गिव टू ईच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव. जैसे यहां आप देखिए मैंने नॉलेज को 40 दिया है, अंडरस्टैंडिंग को 30 दिया है, एप्लीकेशन को 20 दिया है और स्किल को 10 दिया है. तो आप अपने विषय के आधार पर ये तय करिए, आप अपने विषय के आधार पर ये तय करिए कि आप कितनी वेटेज अपने कंटेंट के ऑब्जेक्टिव्स को देना चाहते हैं अपने प्रश्न पत्र. फिर प्रश्न आता है कितने प्रकार के प्रश्न होंगे और कितने प्रश्न होंगे. सबसे पहले कितने प्रकार के प्रश्न होंगे. मान लीजिए आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में तीनों प्रकार के प्रश्न होंगे. ऐसे टाइप क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे. तो उनको कितनी वेटेज आप देंगे. जैसे यहां आप देखिए ऐसे टाइप को 30% दिया है, शॉर्ट आंसर को 45 दिया है, ऑब्जेक्टिव को 25 दिया है. हो सकता है आप केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं. जैसे मैंने एनटीए का एग्जाम्पल लिया है, या कोई क्लासरूम टेस्ट लेना है, कोई छोटी क्विज टाइप टेस्ट लेना है, तो फिर वहां हम ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर क्या करते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ले लेते हैं कि मल्टीपल चॉइस कितने देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितने देंगे, मैच द कॉलम कितने देंगे, ट्रू फॉल्स कितने देंगे. उस तरह से भी स्पेसिफिकेशन टेबल बन सकती है. बट इफ इट इज एनुअल क्वेश्चन पेपर देन वी मेक अ स्पेसिफिकेशन टेबल बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी टेक. देन वी ऑल्सो डिसाइड हाउ मच मार्क्स वी विल गिव. देखिए पहले वाली टेबल में एक बार फिर से वापस आता हूं. इस टेबल में मैंने डिसाइड किया था वेटेज 30, 45, 25. अब आप अगले टेबल को ध्यान से देखिए, 30, 45, 25 देखिए. सबसे लास्ट कॉलम में 30, 25 एंड 45 है. बट अब मैंने डिसाइड किया कि मैं तीन ऐसे टाइप क्वेश्चन दूंगा, हर एक को 10 अंक दूंगा, जिससे कि 30% वेटेज जस्टिफाई हो जाए. मैं 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दूंगा, हर एक को 3 नंबर दूंगा ताकि 45 हो जाए. हो सकता है मैं 15 की बजाय डिसाइड करूं कि मैं 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दूंगा, हर एक को 5 अंक दूंगा तो 45 हो जाए. दिस अगेन डिपेंड अपॉन अस, नॉट ओनली अस बट ऑल्सो द फॉर्मेट विच हैज बीन गिवन बाय द स्कूल और बीइंग फॉलोड बाय योर बोर्ड. देन ऑब्जेक्टिव टाइप, मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 अंक के 25 प्रश्न दूंगा. हो सकता है आप तय करें कि आप कुछ वेरी शॉर्ट आंसर देंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव देंगे, तो आप फिर शॉर्ट आंसर के नीचे वेरी शॉर्ट आंसर लिखेंगे, उनके लिए 2 अंक निर्धारित करेंगे. आप तय करेंगे 2 अंक वाले कितने प्रश्न होंगे और 1 अंक वाले कितने प्रश्न होंगे. ठीक, तो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स टू बी गिवन टू ईच क्वेश्चन, इसका भी प्लानिंग करके एक छोटा स्पेसिफिकेशन टेबल बनाते हैं. फिर हम अनुमान लगाते हैं समय का. हमें यह पता होता है कि हमारा प्रश्न पत्र कितने समय के लिए है. हम 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, हम 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं. जैसे ये जो उदाहरण है, ये मैंने 3 घंटे के प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर लिया. तो 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं, 180 मिनट्स. तो हम पूरे 180 मिनट्स का क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करते. हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 10 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र समझने के लिए और 10 मिनट का समय विद्यार्थियों को अंत में प्रश्न पत्र को दोहराने के लिए, उन्होंने जो लिखा है उसको रिवाइज करने के लिए चाहिए. तो इसलिए हमने 180 मिनट की बजाय 160 मिनट का समय लेकर के इस टेबल को बनाया. और हमने ये मान लिया कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो हर एक प्रश्न लिखने में उनको औसतन 20 मिनट का समय लगना चाहिए. तो हमने 60 मिनट का समय उसके लिए निर्धारित किया. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर 5 मिनट लगने चाहिए, 15 प्रश्न है, तो 75 मिनट उसके लिए कैलकुलेट किया. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मिनट में एक हो जाना चाहिए, 25 प्रश्न है, तो 25 मिनट उसके लिए निर्धारित किया. अब ये आप निर्धारित करेंगे, क्योंकि ये आप ये तय करेंगे कि आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन में वर्ड लिमिट कितनी है. औसतन ये माना जाता है कि एक बच्चा 1 मिनट में 25 से 30 शब्द लिख सकता है. इससे अधिक शब्द 1 मिनट में नहीं लिखे जा सकते, यदि वह सोचकर समझकर लिख रहा है, क्योंकि वह लगातार तो लिखता नहीं है. वो क्वेश्चन पढ़ता है, उसके आंसर को समझता है, आंसर को ऑर्गेनाइज करता है, तब लिखता है.
तो हमने एक अनुमान लगा करके हम चलते हैं कि 25 से 30 शब्द यदि एक बच्चा एक मिनट में लिखेगा तो 20 मिनट में लगभग वह 600 शब्द का उत्तर लिख लेगा। तो इसीलिए हमने अनुमान लगाया कि एक प्रश्न के उत्तर में उसको लगभग 20 मिनट लगेंगे। तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। हाउ मच टाइम वी शुड गिव पर टाइप। अब अगर आपकी परीक्षा में 1000 शब्दों में किसी बच्चे को प्रश्न का उत्तर लिखना है तो आपको समय उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका विद्यार्थी 1000 शब्दों का प्रश्न में उत्तर कितने समय में लिखेगा, 500 शब्दों का कितने में लिखेगा, 300 शब्दों का कितने में लिखेगा, उसके अनुसार आप समय निर्धारित करेंगे। फिर आते हैं डिफिकल्टी लेवल पर। मान लीजिए हमने ये तय किया कि हमारे यदि पूरे प्रश्न पत्र का वेटेज 100 है तो हम उसमें 50% प्रश्न जो है वो एवरेज रखें। सो इफ देर आर 50% टेस्ट आइटम्स एवरेज, देन आई हैव डिसाइडेड 25% आई विल पुट डिफिकल्ट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स एंड 25% आई विल पुट इजी टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स। तो हम एक प्रश्न पत्र में कितने कठिन प्रश्न रखेंगे, कितने एवरेज प्रश्न रखेंगे और कितने आसान प्रश्न रखेंगे, जब हम इनका टेबल बनाते हैं तो ये डिफिकल्टी लेवल का टेबल कहलाता है। आप देखिए, हमने डिफिकल्टी लेवल का टेबल बनाया, हमने एस्टिमेशन ऑफ टाइम का एक टेबल बनाया, हमने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन का कितना वेटेज होगा उसका टेबल अलग बनाया, हमने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से टेबल अलग बनाया और हमने कंटेंट के हिसाब से टेबल अलग बनाया। ये छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन टेबल्स जो आप यूनिट के लिए बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बनाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए बनाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए बनाते हैं, टाइम ऑफ द टू बी अलॉटेड फॉर ईच आंसर के लिए बनाते हैं और डिफिकल्टी लेवल के लिए बनाते हैं, जब आप इन सब को आपस में एक साथ एक ही टेबल में प्रस्तुत करते हैं तो वो आपका ब्लूप्रिंट होता है और वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैंने अभी तक जितना आपको डिस्कशन किया है उन सबको मिलाकर के ब्लूप्रिंट बनाया है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव्स और फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव्स और फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, चार तरह के ऑब्जेक्टिव हमने तय किए थे। फिर हमने हर एक ऑब्जेक्टिव में तीनों कॉलम बनाए हैं, एसे टाइप के लिए ई, शॉर्ट आंसर टाइप के लिए एसे और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ओ। सो दिस इज ई एसे एंड ओ। तो हमने हर एक में रख लिया, इसको ऐसे देखिए, ऑब्जेक्टिव और फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस ये एक दिशा में रहते हैं, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन स्किल चारों ऑब्जेक्टिव लेबल हो गए, फिर एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, ई एसे एंड ओ, ई एसे एंड ओ, ई एसे एंड ओ, ई एसे एंड ओ, ये हमने हर एक में फॉर्म्स तय कर लिए। फिर हम इधर कॉलम में क्या लिखते हैं, यूनिट्स, कि कौन कौन से यूनिट्स होंगी, ये यूनिट के टाइटल है। आप देखिए इन सबको हमने मर्ज कर दिया। ऑब्जेक्टिव आपको ऊपर दिख रहा है, टेबल का एक थोड़ा सा हिस्सा लिया है केवल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाला, ताकि आपको मैं समझा सकूं आसानी से कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऊपर लिखा, टाइप फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन लिखे, फिर हमने यूनिट्स लिखी, फूड मटेरियल एंड ऑल दैट। अब हम जब ये पहले तय कर चुके हैं कि हमें हर एक यूनिट को कितना वेटेज देना है, मान लीजिए हमने तय किया कि फूड की यूनिट को 10% वेटेज देना है और हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वेटेज 30%, एक क्वेश्चन का वेटेज 10% है, तो अगर हम फूड की यूनिट से केवल सिंगल एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे देंगे तो फिर हम उससे शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं दे पाए। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो एक तो हायर और हायर लेवल के हो, अर्थात जहां पर उनको रिफ्लेक्शंस करने हो, जहां उनको कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करनी हो, जहां कोई एप्लीकेशन उनको बतानी, तो हम ऐसी यूनिट्स से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लेते हैं जिन यूनिट्स की वेटेज ज्यादा हो। आप यहां देखिए, आपको दो चीजें हर एक कॉलम में दिख रही है, जैसे 10 के आगे ब्रैकेट में 1 लिखा, 3 1, तो ये 10 क्या है, ये 10 मार्क्स है और 1 क्वेश्चन है। तो हमने डिसाइड किया कि 10 नंबर का एक प्रश्न मूविंग थिंग्स एंड पीपल से होगा नॉलेज लेवल का, 10 नंबर का एक प्रश्न हाउ थिंग्स वर्क से होगा नॉलेज लेवल का, 10 नंबर का एक प्रश्न
अंडरस्टैंडिंग लेवल का होगा मटेरियल्स। हमने तय किया तीन तीन नंबर के प्रश्न, एक प्रश्न फूड से होगा, एक प्रश्न मटेरियल से होगा, दो प्रश्न वर्ड ऑफ लिविंग से होंगे, एक शॉर्ट आंसर टाइप नॉलेज लेवल का और एक शॉर्ट आंसर टाइप अंडरस्टैंडिंग लेवल का। तो इस तरह से हम प्रश्न और उनके अंक लिखते चले जाते हैं। यदि हम एक से अधिक प्रश्न लेते हैं तो फिर हम उनके अंक भी उतने ही बढ़ा देते हैं। जैसे आप देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में हाउ थिंग्स वर्क नेचुरल फिनोमिना के आगे लिखा है 4 ब्रैकेट में फिर 4, तो इसका मतलब हम 4 प्रश्न लेंगे एक एक अंक वाले ताकि उनके कुल अंक 4 हो जाएं। तो इस प्रकार से हम सबको जोड़कर एक बड़ी टेबल बना लेते हैं। यदि आप इस बड़ी टेबल को ध्यान में रखें तो आप देख पाएंगे कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रकार, किस यूनिट से किस प्रकार का प्रश्न बनना है, वह प्रश्न किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर बनना है, ये सब तय कर लेते हैं। डायमेंशन वाइज वेटेज, ऑब्जेक्टिव वाइज वेटेज, सबका कैलकुलेशन होकर के पूरा चार्ट बन जाता है। फायदा क्या होता है, मान लीजिए ये चार्ट मुझे बता रहा है कि मटेरियल की यूनिट से मुझे अंडरस्टैंडिंग का 10 मार्क्स का ऐसे टाइप क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो मैं मटेरियल की यूनिट खोलूंगा, जब मैं प्रश्न बनाऊंगा तो मुझे ध्यान होगा कि यह प्रश्न अंडरस्टैंडिंग लेवल का होना चाहिए, यह प्रश्न एप्लीकेशन लेवल का होना चाहिए। तो कौन से लेवल का प्रश्न बनाना है उसी के अनुसार भाषा बदल जाती है। प्रश्न के प्रकार क्या होंगे, प्रश्न के उद्देश्य क्या होंगे, किस इकाई से कौन सा प्रश्न लिया जाएगा, कितने अंक का होगा, एक इकाई से कुल कितने प्रश्न बनाने हैं। अब जैसे आप, मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडिया 4th यूनिट है। ये टेबल बता रही है कि इस यूनिट से एक 10 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नॉलेज लेवल पर बनना है, एक 3 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का, और एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप अंडरस्टैंडिंग का बनना है, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एप्लीकेशन लेवल पर बनाने हैं, और एक शॉर्ट आंसर टाइप स्किल पर बनाना है। तो हमें पता लग गया कि हमें किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाना है, तो फिर हम प्रश्न उसी प्रकार से बनाएंगे। जब भी आप ब्लूप्रिंट बनाएं, ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आप उस सिलेबस के बारे में प्लानिंग कीजिए जो सिलेबस आपको अपने प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में कवर करना है। कितना सिलेबस आपको कवर करना, फर्स्ट थिंग दिस शुड बी योर माइंड। देन आपका टेस्ट तभी अच्छा होगा यदि आप अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का अचीवमेंट इवैल्यूएट कर पाएंगे, अर्थात जिन शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण आपने अपनी शिक्षण अधिगम को प्रारंभ करने से पहले किया था। तो हम सिलेबस के साथ साथ ये भी ध्यान में रखेंगे कि हमारे शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पा रहे हैं अन्यथा नहीं। इसके बाद हम ये तय करते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को वेटेज कितनी देनी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह प्रश्नों को दी जाने वाली वेटेज, उद्देश्यों को दी जाने वाली वेटेज प्रत्येक विषय में अलग अलग होती है। विज्ञान के प्रश्न पत्र का स्वरूप, गणित के प्रश्न पत्र का स्वरूप, भाषा के प्रश्न पत्र का स्वरूप एक जैसा नहीं होता। तो विज्ञान के लिए बनने वाला ब्लूप्रिंट, भाषा के लिए बनने वाला ब्लूप्रिंट, या गणित के लिए बनने वाला ब्लूप्रिंट, या इतिहास के लिए बनने वाला ब्लूप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते। इसीलिए जब मैं ब्लूप्रिंट बनाने की चर्चा प्रारंभ कर रहा था तब मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि आप अपनी इकाइयों और इकाइयों के उद्देश्यों का निर्धारण कीजिए, वे ही यह तय करेंगे कि आपके प्रश्न पत्र में प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों का स्तर और उनका कठिनता स्तर, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। हमेशा एनालाइज करिए कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में कितना समय उनको उत्तर देने में लगेगा, क्योंकि ध्यान रखिए आप क्वेश्चन पेपर अपने लिए नहीं बना रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देने की गति और आपके विद्यार्थियों की प्रश्न के उत्तर देने की गति में भिन्नता हो सकती है। आप उस विषय के अध्यापक हैं, आप विषय को जानते हैं, आप प्रश्न मस्तिष्क में आपके आता है, तत्काल उत्तर आपके मस्तिष्क में आ जाता है, आप उसके आंसर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट योर स्टूडेंट्स कैन नॉट डू दिस एट दिस पेस, दे नीड टाइम टू थिंक, दे नीड टाइम टू प्लान दैट व्हाट टॉपिक्स, व्हाट कॉन्सेप्ट्स दे विल पुट इन द आंसर।
they need time to think that how they will organize the answer, what should be in their introduction, what should be in their main body, how they will conclude, what should be the word limit, what is their speed to write. मैंने कहा एक एवरेज स्टूडेंट 11, 12 क्लास का 20-30 शब्द से अधिक एक मिनट में अच्छी तरह से नहीं लिख सकता सोच समझ के. हाँ रट के लिखना है तो कोई कितने भी लिख सकता है, फिर उसकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है क्योंकि उस पर समय का दबाव होता है. हम इतने प्रश्न दे देते हैं, बच्चे 3 घंटे में उत्तर नहीं दे पाते, फिर हम कहते हैं बच्चों ने पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है. अरे उनको प्रश्न पत्र पूरा करने की जल्दी थी बंधु, आपने इतने सारे प्रश्न दे दिए थे, यदि उनके प्रश्न छूट जाते तो उनके अंक रह जाते, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, आप नहीं पढ़ पा रहे. हमेशा ध्यान रखिए कि प्रश्न पत्र को बाद में तैयार करिए, पहले ब्लूप्रिंट तैयार करिए. कुछ लोगों को मैंने देखा है अगर उनसे कहा जाए ब्लूप्रिंट बनाइए, पहले पेपर बना लेते हैं फिर इसके हिसाब से ब्लूप्रिंट बना लेंगे, नहीं पहले ब्लूप्रिंट बनाइए फिर उसके आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए फिर प्रश्न पत्र का निर्माण करिए. प्रोसेस यही होनी चाहिए. और जैसा कि मैंने कहा, हमेशा ध्यान में रखिए अपने शिक्षार्थी को, अपने विद्यार्थी को, क्योंकि परीक्षण विद्यार्थी के लिए है आपके लिए नहीं. टेस्ट इज फॉर लर्नर्स नॉट फॉर यू. सो इफ यू कीप इन माइंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ योर लर्नर्स, द स्पीड ऑफ योर लर्नर्स, द पेस ऑफ योर लर्नर्स, द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लेवल ऑफ योर लर्नर्स, you will be able to make a very good blueprint and a very good test. So with this, I would suggest you that please you prepare a good blueprint and make your test an effective test.